आज हम बात करने वाले हैं Realme फ़ोन में कीबोर्ड सेटिंग्स कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करिए। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए और नीचे आकर आपको मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको मिलेगा कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, इस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा करंट कीबोर्ड, इस पर क्लिक करके अगर आपको कीबोर्ड को चेंज करना होगा, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी और कीबोर्ड को आप सेट करेंगे, तो यहाँ से उस कीबोर्ड को सेलेक्ट करके उसे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम करेंगे जैसे कि गूगल इंडिक कीबोर्ड को बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड सेट, तो इस पर क्लिक करेंगे और गूगल इंडिक कीबोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। तो जैसे कि वापस से हम जी बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे तो जी बोर्ड पर क्लिक करेंगे। तो इस टाइप से कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड सेटिंग्स कर सकते हैं। और नीचे आपको मिलेगा अवेलेबल कीबोर्ड, आपके फ़ोन में जितने कीबोर्ड अवेलेबल होंगे उन सब की सेटिंग्स यहां से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि जो कीबोर्ड आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड सेलेक्ट होगा, यहां पर आपको नीचे मिलेगा अवेलेबल कीबोर्ड में, तो जैसे कि हमारा है जी बोर्ड, तो जी बोर्ड पर क्लिक करेंगे। अब इसकी सेटिंग्स यहाँ से हम कर सकते हैं, लैंग्वेजेस की, प्रेफरेंसेस की, थीम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट करेक्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ से हम इसकी सेटिंग्स करके अपने कीबोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैनेज कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप कीबोर्ड को बंद कर सकते हैं अगर कोई कीबोर्ड है जो कि आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर आप कीबोर्ड की सेटिंग्स कर सकते हैं अपने Realme फ़ोन में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।